उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सरकारी हॉस्पिटल में मरीज की तीमारदार ने वार्ड के बाहर नमाज अदा की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। तहम पुलिस ने कहा कि किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ है। बहरहाल हॉस्पिटल के हकाम ने बताया कि खातून और हॉस्पिटल के अरकान अमले को ऐसी किसी भी सरगर्मी के खिलाफ इंतबाह दे दिया गया है। ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया था, जिसमें तबसरा किया गया था कि आम मुकामात पर नमाज अदा करना गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने ये सवाल उठाया कि अगर कोई अपने अजीजों की सेहत के लिए नमाज अदा करता है या दुआ करता है तो इसमें गलत क्या है। इब्तिदा में प्रयागराज पुलिस ने कहा था कि तहकीकात जारी है, फिर ट्वीट किया कि तहकीकात से पता चला है कि ये खातून किसी गलत इरादे से नमाज नहीं पढ़ रही थी और इसकी वजह से किसी के काम या ट्रैफिक में कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही थी। वो मरीज की जल्द सेहतियाबी के लिए नमाज पढ़ रही थी। ये हरकत किसी जुर्म के जमरे में नहीं आती है। बाज इतलात में कहा गया था कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया था। तीन और बिहार सुप्रो हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम के खोरी ने बताया है कि हमने वार्ड में ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त इंतबाह दे दिया है क्योंकि ये एक आम मुकाम है। उन्होंने बताया कि खवातीन डेंगू वार्ड में शरीक एक मरीज का रिश्तेदार है। हमने तमाम वार्ड इंचार्जेस को हिदायत दी है कि वो ऐसी किसी सरगर्मी की इजाज़त ना दे। हमने इस खातून से भी कह दिया कि वो दोबारा ऐसा ना करे। तहकीकात जारी है और मजीद कार्रवाई के बारे में बाद फैसला किया जाएगा।